बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कल हमने बजट के कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था, आज हम बजट को फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे और जो इसका प्रोसीजर है उसके बारे में मज़ीद बात करेंगे। बजट साइकिल, द बजट साइकिल, बजट इज़ टेक्निकली द डॉक्यूमेंट दैट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू प्रपोजल रिफ्लेक्टिंग इट्स पॉलिसी प्रायोरिटीज़ एंड फिस्कल टारगेट्स। कि गवर्नमेंट के टारगेट्स क्या हैं और रेवेन्यू कितने होंगे और एक्सपेंडिचर कितने होंगे, इसके सारे मजमू को बजट हम कहते हैं। हाउ एवर द बजट डॉक्यूमेंट इज़ द कल्मिनेशन ऑफ एन गोइंग ऑन गोइंग बजट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो बजट एक डॉक्यूमेंट है ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये नहीं एक वंस आपने एक दफ़ा बजट बनाया और काम पूरा हो गया, बल्कि ये गवर्नमेंट का एक रोलिंग बजट होता है जो कि एक दफ़ा कंप्लीट होता है तो दूसरे का सर्कल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। एंड ऑफ ए कंट्री सिस्टम फॉर मैनेजिंग एंड असेसिंग इट्स स्पेंडिंग एंड टैक्स पॉलिसीज। के जो गवर्नमेंट है वो कैसे स्पेंड करेगी, रेवेन्यूज़ को कलेक्ट कैसे करेगी, टैक्स की इम्पोजिशन की क्या पॉलिसी होगी उस गवर्नमेंट की, ये सारी की सारी इस बजट में पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाती हैं। लुकिंग एट एनी वन एस्पेक्ट ऑफ द ओवरऑल बजट सिस्टम इन आइसोलेशन मिसेज द इम्पॉर्टेंट इंटर एक्शन बिटवीन द वेरियस पार्ट। कि अगर सिर्फ आप एक ही चीज़ को बजट में देखें तो वो आपको समझ में नहीं आएगी, जब इंटर एक्टिव पूरे सिस्टम को देखेंगे, बजट को पूरे एज ओवरऑल देखेंगे, इसके रेवेन्यू कैसे जनरेट होंगे, उन रेवेन्यू को कंज्यूम कैसे करेंगे, तो फिर बजट का सिस्टम जो है समझने में आसानी हो जाती है। देयरफॉर ए डिस्कशन ऑन द बजट साइकिल इज़ इम्पेरेटिव। बजट पे बहस करना कि इसका साइकिल कैसे ज़रूरी है। द बजट साइकिल कंसिस्ट ऑफ द मेजर इवेंट्स और स्टेजेस इन मेकिंग डिसीजंस अबाउट द बजट एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड असेसिंग दोज डिसीजंस। कि डिसीजन क्या करना है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये सारे के सारे बजट के डॉक्यूमेंट्स और उसके डिसीजन में ही जो है स्टेप्स लिए जाते हैं, उसकी अप्रूवल ली जाती है। द बजट साइकिल यूजली हैज़ फोर स्टेजेस। बजट की फोर स्टेजेस हैं ओवरऑल। पहली स्टेज है बजट फार्मूलेशन, यानी कि बजट बनाना। व्हेन द बजट प्लान इज़ पुट टुगेदर बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो बजट को फॉर्म करती है, बनाती है, और उसके बाद एनएक्टमेंट व्हेन द बजट प्लान मे बी डिबेटेड अल्टर्ड एंड अप्रूव बाय द लेजिस्लेटिव ब्रांच। फिर जब इस पर एनएक्ट किया जाता है, यानी कि उसकी अप्रूवल ली जाती है पार्लियामेंट में। तीसरा इसका स्टेप होता है एग्जीक्यूशन व्हेन द पॉलिसीज ऑफ द बजट आर कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट इन जो पॉलिसीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है और उसको पार्लियामेंट में अप्रूवल ली जाती है, उसके बाद इसको एग्जीक्यूशन होती है, इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। उसके बाद फर्दर इसकी लास्ट स्टेज होती है ऑडिटिंग एंड असेसमेंट। कि जो डिसीजंस लिए गए थे, जो बजट में रेवेन्यूज़ के टारगेट सेट किए गए थे, एक्सपेंडिचर के टारगेट सेट किए गए थे, तो वो किस हद तक ट्रांसपेरेंसी उसमें है और किस हद तक उनको उसी जो डिसीजंस लिए गए थे उन्हीं की लाइन में उनको इम्प्लीमेंट किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये ऑडिटिंग के जो होता है क्लोजिंग इसका स्टेप इसमें कवर किया जाता है। व्हेन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ द बजट आर अकाउंटेड फॉर एंड असेस्ड फॉर इफेक्टिवनेस। इसके बाद है प्रिपरेशन एंड फार्मूलेशन स्टेज। पहली स्टेज की अगर बात करें बजट के, जो हमने फोर स्टेजेस पड़ी थी, उसकी स्टेज वाइज अगर फार्मूलेशन में देखें तो क्या क्या चीज़ आएगी, वो सारे अभी इस डिटेल में हम पढ़ेंगे। द इनिशियल फार्मूलेशन ऑफ द बजट अकर्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली विद इन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट में डिसीजन होता है, फार्मूलेट किया जाता है इसको। दो इट कैन इंक्लूड ए नंबर ऑफ एक्टर्स विद इन द ब्रांच। तो विद इन ब्रांच भी मुख्तलिफ इसको फर्दर कैटेगराइज होती हैं जो उसमें हिस्सा लेते हैं। टिपिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और ए डिवीजन विद इन इट कोऑर्डिनेट्स एंड मैनेजेस द फार्मूलेशन ऑफ द बजट। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और उसकी जो फर्दर ब्रांचेज होती हैं वो हिस्सा लेती हैं इसमें। रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्राम इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स एंड प्रपोजिंग द ट्रेड ऑफ्स नेसेसरी टू फिट कम्पीटिंग गवर्नमेंट प्रायोरिटीज इन टू द बजट्स एक्सपेंडिचर टोटल। तो जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स होती हैं उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है, इनपुट लिया जाता है, जिस पर बजट बेस करके बनाया जाता है। दिस प्रोसेस कैन टेक ए फ्यू वीक्स टू सेवरल मंथ्स लार्जली डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट टू विच डिपार्टमेंट्स आर इन्वॉल्व एंड देयर व्यूज आर टेकन इन टू अकाउंट। कि ये चंद हफ्तों से लेके कई महीनों तक प्रोसेस चलता है
और उसमें हर एक डिपार्टमेंट, जितनी वो बड़ी डिपार्टमेंट होगी उसका इनपुट भी उतना ही ज़्यादा होगा और उसको उतना ही एक्सटेंसिवली काम करके अपना इनपुट देना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस जो है 4 हफ्तों से, अगर कोई छोटी डिपार्टमेंट में 4 हफ्तों में अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेती है, जबकि कोई बड़ी डिपार्टमेंट होगी तो उसको उतना ही एक्सटेंसिवली अपनी वर्किंग कंक्लूड करना पड़ती है। The quantum and size of the budget are largely determined by its projections of key parameters such as economic growth, inflation or demographic charges, changes, priorities and gravity of welfare measures that will influence overall revenues and expenditure. तो जो quantum है, जो budget का size है, वो depend करता है कि government ने कितनी policies, कौन कौन से targets set किए हैं और उनको कैसे implement करेगा। जितने ज़्यादा targets, बड़े targets होंगे, उतनी ही extensively उनको policies भी adopt करना पड़ेगी, उनको working करना पड़ेगा। The contours of budget also are influenced by consideration of goals. जो goals set की जाती हैं वो भी असरअंदाज होती हैं budget पर, such as maintaining the deficit or debt or debt at a certain level. अगर government ये plan करे कि हमने deficit level कहाँ तक maintain करना है या debt कितना raise करना है, raising or reducing taxes, अगर taxes की amount को ज़्यादा करना है या कम करना, और increasing expenditure for certain priorities areas, अगर expenditure को increase करना है किसी खास area के लिए, तो ये भी जो है इन्फ्लुएंस करते हैं बजट के साइज़ को और उसकी जो है उसके स्कोप को। इन पाकिस्तान बजट मेकिंग एज एन एनुअल प्रोसेस स्टार्ट्स इन अक्टूबर। तो ये जो प्रोसेस है अक्टूबर में स्टार्ट होता है ईच ईयर ऑन द इशुएंस ऑफ बजट कॉल सर्कुलर। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट कॉल सर्कुलर इशू करती है, तब से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बीसीसी इज़ इशूड टू ऑल मिनिस्ट्रीज, डिवीजंस, डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये सब डिपार्टमेंट को इशू किया जाता है कि अपना अपना इनपुट दें। इट एक्सप्लेन्स द प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट। ये जो है आपके जो बजट कॉल सर्कल है, ये सर्कुलर जब इशू किया जाता है तो उसमें एस्टिमेट्स मांगे जाते हैं। डिटेल टाइमलाइन इज आल्सो गिवन फॉर कंप्लीशन ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ द बजट। तो बजट के जो हमने मुख्तलिफ 4 स्टेजेस पढ़े हैं उनको कंप्लीट करने के लिए भी टाइमलाइन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। बिसाइड्स देयर आर अदर कमिटेड लाइबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट सच एज डेट सर्विसिंग, इंटरेस्ट पेमेंट। डेट सर्विसिंग का मतलब होता है कि जितना आपने डेट लिया उस पर जितनी आपने कास्ट पे करनी है, और इसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो उस पर इंटरेस्ट पे करना है। द पेमेंट ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड अदर एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द रेजिंग ऑफ लोन्स विच हैव बिन मेड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। तो मुख्तलिफ जो हैं आपके हेड्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट जो है इनको कंसिडर करने के बाद इनको इंसर्ट करती है अपने बजट प्लान में। These estimates are by then submitted by the estimating authorities to their administrative ministries and divisions, who in turn examine the and pass these on to the concerned financial advisors with their recommendations. तो जितनी भी एक मिनिस्ट्री की डिवीजन्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारा अपना इनपुट भेजती हैं और उस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो कंसल्ट करता है फाइनेंशियल एडवाइज़र का के साथ, जो कि एक्सपर्ट होता है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रैपी होता है और हर एक मिनिस्ट्री के साथ अटैच किया जाता है। वो उनके साथ कंसल्टेशन करने के बाद अपनी रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को फॉरवर्ड करते हैं। The financial advisor and Ministry of Finance, as recommended by the administrative ministries and divisions, carry a detailed scrutiny of the estimates before they are finally accepted for inclusion in the budget. तो बजट में शामिल करने से पहले जो financial advisor होता है उस ministry में rep होता है Ministry of Finance का, वो Ministry of Finance के साथ coordinate करने के बाद finalize करते हैं, उस पर discussion करने के बाद मज़ीद उसको accept किया जाता है, कुछ उसमें culmination की जाए, उसमें काट छांट करने के बाद, increase decrease करने के बाद उसको accept कर लिया जाता है budget proposal के लिए। The budget estimates for the ensuing year are formulated separately in respect of non-development current expenditure and development expenditure. तो जो बजट के एस्टिमेट्स होते हैं उनको अलग अलग बनाया जाता है, एक जो होते हैं करंट एक्सपेंडिचर में, दूसरा डिवेलपमेंट एक्सपेंडिचर का। While the proposed estimates for development expenditure sent to the planning commission, जब development expenditure के जो हैं estimates, जो खर्चे हैं वो planning division को भेजे जाते हैं every year फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल डिवेलपमेंट प्रोग्राम। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है वो ADP बनाती है, यानी कि एनुअल डिवेलपमेंट प्रोग्राम डिज़ाइन करती है बाय द स्पेंडिंग मिनिस्ट्री। उस जो मिनिस्ट्री खर्चा करना चाहती है, द प्रपोज एस्टिमेट्स फॉर करंट एक्सपेंडिचर
और सेंट डायरेक्टली टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. जो करंट एक्सपेंडिचर है तो वो भेज दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, जबकि ADB एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाले जो है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को भेज दिए जाते हैं, ताकि वो अपने कंसिडर करने के बाद उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजे. फॉलोइंग ए रिव्यू बाई द फिनेंशियल ऑफिसर एंड अप्रूवल बाई द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, ऑल बजट एस्टिमेट्स आर फॉरवर्डेड टू द बजट विंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस डिवीजन और डिपार्टमेंट. ये जितने भी हैं वर्किंग करने के बाद जो एक मिनिस्ट्री की डिवीजन होती है फाइनेंस डिवीजन, उसको भेज दिए जाते हैं. The finance division or department will review and consolidate the estimates to ensure that overall budget policy and objectives have been met after consultation with concerned ministries and departments when required. तो जो ministry of finance की finance division होती है वो consult करती है concerned ministries के साथ उसको final करने के लिए. For the finalization of annual development programs, there is another institution named as Priorities Committee. ये Priorities Committee एक अलग से होती है जो कि Planning Division में होती है, which meets regularly in the month of April, जो कि April के month में meeting करते हैं. The meeting is chaired by the Planning Division and attended by all the line ministries and provincial government. तो provincial government और ministries के जो है जो rep होते हैं वो इस meeting को attend करते हैं, जिसमें वो अपना input देते हैं और उस पर further discussion या कुछ explanation देना चाहते होते हैं तो वो देते हैं. Projects are evaluated and prioritized for allocation of resources. फिर जो है ADP वाले जो annual development programs आते हैं उनको estimate किए जाते हैं और उनको evaluate करने के बाद उनको resources allocate किए जाते हैं. This is followed by the meeting of appropriations committee in the month of May के महीने में appropriation जो committee है वो बैठती है. All the line ministries and provinces are again invited to this committee. तो इस committee में भी सारे ministries के rep और provincial government के जो rep होते हैं वो participate करते हैं. The meeting is chaired by the finance division. इसमें भी जो chair करता है finance division का पर्सन ही होता है. सेक्टरल एलोकेशंस आर डिस्कस्ड इन दिस मीटिंग. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिस्कशन प्रपोजल्स फॉर सेक्टर वाइज एलोकेशंस आर फाइनलाइज्ड बाय फाइनेंस डिवीजन. तो इसमें फाइनेंस डिवीजन जो फाइनल करती है कि सेक्टर वाइज किसको कितनी एलोकेशन करनी है और कितने फंड अवेलेबल हैं. इन द मंथ ऑफ जून के महीने में द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल NEC मीट्स. द NEC इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम चेयर्ड बाई द प्राइम मिनिस्टर एंड विद रिप्रेजेंटेशन फ्राम प्रोविंसेज. और NEC जो होती है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, इसको चेयर कर रहा था प्राइम मिनिस्टर और इसके मुख्तलिफ जो है सूबाई रेप जो हैं वो अपनी नुमाइंदगी करते हैं. इट प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ सेटिंग इकोनॉमिक एंड बजटरी प्रायोरिटीज फॉर द कंट्री. द फेडरल बजट प्रपोजल आर प्रेजेंटेड इन द मीटिंग. इसमें जो फेडरल बजट है वो प्रेजेंट किया जाता है. द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ NCE इज ECNEC एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल. यानी कि इस कमेटी जो है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, इसकी एक अलग से कमेटी होती है जिसको एग्जीक्यूटिव कमेटी कहते हैं, नेशनल कमेटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, विच मीट्स मोर फ्रिक्वेंटली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर. फाइनेंस मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में ये ओकेजनली मिलते रहते हैं और डिस्कशन के लिए. इट्स जॉब इज़ to periodically assess the economy and take decisions in accordance with the economic policy of the government. जो NEC होती है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, उसका तो चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, जबकि दूसरी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसको चेयर कर रहा होता है फाइनेंस मिनिस्टर और वक्तन फवक्तन वो मिलते रहते हैं और एक करंट इकोनॉमिक सिचुएशन पे बहस करते रहते हैं. इट प्लेज क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ एनुअल बजट. और इस कमेटी का काम क्या होता है, बहुत अहम रोल होता है बजट को फाइनलाइज करने में. After passing through NEC National Economic Council के पास पास होने से the budget finally gets approved in the federal cabinet. फिर ये जो इकोनॉमिक काउंसिल है ये जब पास कर देती है उसके बाद वही बजट जो है काबीना को पेश किया जाता है, नेशनल जो फेडरल काबीना है. बिफोर द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स इट टू द नेशनल असेंबली फॉर इट्स एनएक्टमेंट. तो इससे पहले कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट में पेश करे या नेशनल असेंबली में उसको पेश करे, उससे पहले फेडरल कैबिनेट जो है उसको अप्रूव करती है. जब अप्रूव कर देती है फाइनेंस मिनिस्टर, उसको नेशनल असेंबली में प्रेजेंट करता है जो जून के महीने में नॉर्मली प्रेजेंट किया जाता है,
तो यहाँ से अगली स्टेज जो है एनएक्टमेंट स्टेज वो लागू हो जाती है, जो कानूनी जो उस पर एक्शन होता है उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो स्टार्ट हो जाता है फेज़। द सेकेंड स्टेज ऑफ द बजट साइकिल अकर्स व्हेन द एग्जीक्यूटिव बजट इज डिस्कस्ड इन द लेजिस्लेचर एंड कॉन्सिक्वेंटली एनएक्टेड इनटू लॉ, कि ये कानूनी शक्ल अख्तियार कर लेता है। दिस स्टेज बिगिंस व्हेन द एग्जीक्यूटिव फॉर्मली प्रपोजेज द बजट टू द लेजिस्लेचर, जब जो नेशनल एग्जीक्यूटिव होते हैं कमेटी, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल कमेटी के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो जब प्रपोज करते हैं लेजिस्लेचर्स को कि आप इसको जो है रिकमेंड करें या उस पर अपनी अप्रूवल दें तो वो कानूनी शक्ल अख्तियार कर ले। द लेजिस्लेचर देन डिस्कसेस द बजट, तो जो कौमी असम्बली उसमें बजट पे बहस की जाती है, विच कैन इंक्लूड पब्लिक हियरिंग्स एंड वोट्स बाय द लेजिस्लेचर कमेटी, लेजिस्लेचर कमेटीज़ भी उसमें अपना वोट डाल दें। द प्रोसेस एंड वैन द बजट इज़ अडोप्टेड बाई द लेजिस्लेचर, ये तब ख़त्म हो जाता है जब कौमी असम्बली उसको अडोप्ट कर लेती है आइदर इन एक्ट और विद अमेंडमेंट, आया के उसी ही हालत में या कि फिर उसको अमेंडमेंट करने के बाद। द बजट आल्सो कैन बी रिजेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर एंड इन सम कंट्रीज रिप्लेस्ड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑन प्रपोजल, अगर जो इसको अप्रूव करने के बाद जो है इसको एनेक्ट कर दिया जाता है, अगर उसमें कोई चेंज हो तो रिजेक्ट भी किया जाता है, अगर रिजेक्ट कर दिया जाए तो लेजिस्लेचर जो होते हैं उनको फिर अपने प्रपोजल पेश करने होते हैं जो अप्रूव करने होते हैं। इसके बाद आ जाती है जब कानूनी इसकी जो है वोटिंग इस पर हो जाती है और उसको अप्रूव कर लिया जाता है, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस अकर्स वंस द बजट हैज़ बिन एनेक्टेड, जब उसको एनेक्ट का जो स्टेज है कम्प्लीट होती है उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होती है। गवर्नमेंट differ widely in how they regulate and monitor spending to ensure adherence to the budgets. So government जो है उसकी different उसकी policies होती हैं हर government की, और जो उसने अपनी spending जो allocate की होती हैं उसको implement करना होता है, और हर government की priorities अलग से होती हैं। किसी के revenue generate करने की तरफ अगर ज़्यादा हो सकता है तो दूसरी का spending की तरफ हो सकता है। In some cases, the Treasury or Finance Ministry exercises strong central control over spending. कि जो Ministry of Finance की Treasury department है वो control करती है जितनी भी मुख्तलिफ ministries में spendings होती हैं, जितने खर्चे होते हैं। Reviewing allocation to departments की किस department को कितनी allocations हुई and approving major expenditure और approve करते हैं जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं। Where departments enjoy more independence, ट्रेजरी जहाँ पे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं जिनको एलोकेट किए होते हैं अगर वो आज़ाद हों या उनकी अटोनमी अटोनमस बॉडीज़ हों तो फिर ट्रेजरीज विल मॉनिटर एक्सपेंडिचर बाय रिक्वायरिंग फॉर इंस्टेंट रेगुलर रिपोर्टिंग बाय ईच डिपार्टमेंट्स ऑफ इट्स स्पेंडिंग। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो उन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से उनकी स्पेंडिंग की रिपोर्ट मांग के कंट्रोल अपना जनरेट कर सकती है। In practice, normally routine में जो होता है budgets are not always implemented in exact form in which they were approved, के budget ऐसी ही implement नहीं कर दिया जाता जैसे approve किया जाता है, बल्कि funding levels in the budget are not always adhered to and authorized funds are not always spent for the intended purposes, तो जितने fund उनको authorize किए गए होते हैं हर वक्त या हर दफ़ा उतने spending करना मुमकिन भी नहीं होता या की भी नहीं जाती। तो इस deviations can result from conscious policy decisions or in reaction to changing economic conditions, जैसे जैसे economic condition change होती हैं तो government की policies भी different हो सकती हैं, तो spending उसी हिसाब से जितनी approve की गई थी नहीं भी मुमकिन हो सकती। but concern arise when there are dramatic differences between the allocated and actual budgets, तो मामला तब ख़राब होता है जब allocated budgets में और जो consume किया गया budget उसमें difference हो, that cannot be justified as a reflecting sound policy, तो जब उसमें कोई dramatic या कोई बहुत ज़्यादा मसला आ जाए तब problem होता है, ना छोटी मोटी deviation से इतना मामला ख़राब नहीं होता। while these cases can result from the outright abuse by the executive, they may also reflect the effect of poor budget system and technical problems that make it difficult for the executive to implement the budget in line with the what was enacted into law, तो problem तब होता है जब आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती या उनको जो है जो फिगर्स होते हैं वो ठीक नहीं होते या उनमें कोई बाद में प्रॉब्लम आती है, जो आपकी के रेवेन्यूज उतने जनरेट नहीं हो पाते या आपके एक्सपेंडिचर उतने होते नहीं जितने आप रिपोर्ट कर लेते हैं, तो तब प्रॉब्लम हो सकता है।
For instance, the budget may not be clear about the intended purposes of particular purpose funds. जब एक ministry funds मांगती है और उसको clear नहीं होता कि वो funds किस मकसद के लिए मांग रही है, फिर क्या होगा? While weak reporting system can limit the availability of information. जब आपके पास information ही नहीं थी और आपने सिर्फ blindly funds demand कर लिए, that the executive needs to monitor the flow of expenditure. तो उनको जो आपके expenditure actual होते हैं, उनको flow भी आपके सामने clear नहीं होता और आपकी जो difference ज़्यादा होता है, यानी कि आपकी डिमांड एक्चुअल कम थी और आपने एक्सपेंडिचर ज़्यादा के लिए डिमांड कर दी और उनको आप एक्सपेंड भी नहीं कर पाते, तब प्रॉब्लम होता है उस मिनिस्ट्री के लिए या रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए. After legislative executive approval of the budget, finance ministry sends a release letter to the ministries. जब एक दफ़ा अप्रूव हो जाता है तो ministry of finance होती है वो release order letter भेजती है सब ministries को कि किसको कितने funds allot हुए हैं. Departments and agencies and their respective officers of the accountant general of Pakistan revenue और accountant general advising that funds are being made available against their budgets. तो जो इतनी उन्होंने demand की थी उनको इतने fund हमने release कर दिए हैं, अगर ज़्यादा किए हैं तो इस वजह से, अगर कम किए हैं तो ये वजह थी, वो साथ एक्सप्लेनेशन भी दी जाती है. AGPR AG offices to turn information district accounting treasury offices of the available of their funds. तो वो सारी रिपोर्टिंग भी अपनी कर रहे होते हैं कि उनके पास अवेलेबल फंड्स वगैरह कितने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. द फेडरल गवर्नमेंट रिलीजेज फंड्स एट स्पेसिफिक इंटरवल अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक फार्मूला एंड परसेंटेज. जैसे जैसे गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स होती है रेवेन्यू जनरेट कर रही होती हैं, उसी तरीके से जो फर्दर जहाँ पे एक्सपेंडिचर होते हैं उनको एलोकेशन भी कर रहे होते हैं. तो एकदम में सारी की सारी एलोकेशन नहीं होती बल्कि टाइम टू टाइम होती रहती है और रिलीज ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती रहती है. द प्रोविंशियल रिलीज एलोकेशन टू डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ऑन फर्स्ट और ऑफ एवरी मंथ सो दैट द फंड्स आर अवेलेबल फॉर द कमिंग मंथ. तो आने वाले पीरियड के लिए जितने उनके पास फंड्स अवेलेबल होते हैं वो रिपोर्ट पेश कर देते हैं कितने हमारे पास फंड्स की पोजीशन है. मिनिस्ट्रीज डिवीजंस आर रिक्वायर्ड टू सेंड ए मंथली स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं उन्होंने मंथली रिपोर्ट अपनी भेजनी होती है कि उन्होंने कितने जो है एक्सपेंडिचर इंकर कर लिए हैं. वो थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस का रैप होता है, फाइनेंशियल एडवाइज़र जिसका नाम होता है, उसके थ्रू भेजते रहते हैं. ए मिड ईयर रिव्यू ऑफ द बजट बेस्ड ऑन रिकॉन्साइल्ड अकाउंट्स इज कंडक्टेड. तो दरमियान में एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी बनती है जिससे देखा जाता है कि हम किस स्टेज पर पहुँचे हैं, हमारे टारगेट्स क्या थे और अब हम किस लेवल पर ऑपरेट हो रहे हैं. द रिव्यू हेल्प्स फार्मूलेट ए स्ट्रेटजी फॉर बजट इम्प्लीमेंटेशन फॉर द रिमाइंडर ऑफ द फिस्कल ईयर. तो बाकी जो फिस्कल ईयर रिमेनिंग है उसमें भी इसमें जो है पॉलिसी बनाई जाती है कि फर्दर हमने पीरियड में कितनी एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है या उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है. There are clearly established procedure for approved allocation of expenditure from one line item to another. अगर आपके पास एक लाइन में एक्सपेंडिचर इतने हो चुके हैं तो दूसरी लाइन में इतने हुए हैं तो उसके लिए भी एक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है और उसके क्लियर प्रोसीजर भी हैं. The principal accounting officer has the power to reallocate funds within the department below a certain threshold. तो जो principal accounting officer होता है, जो secretary of the ministry होता है, उसके पास power होती है कि अगर एक head में आपके funds ज़्यादा पड़े हैं और दूसरे में कम हो गए हैं तो आप उनको एक दूसरे में एडजस्ट कर सकते हैं, री एलोकेट कर सकते हैं. इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स भी कहते हैं. इसके बाद है री एलोकेशन अबव ए सर्टन थ्रेशोल्ड एंड reallocations above a certain threshold and transfers between major budgets heads must be approved by the ministry departments of the finance at the time of each month's reconciliation process. तो जो reconciliation का process हो रहा है, अगर एक limit दी गई उस limit से अगर आपकी reappropriation बढ़ती है या कम होती है तो आपने उस ministry of finance से approval लेनी होती है. In year flexibility for the budget process is provided by the use of 6th and 9th month list of excess एंड सरेंडर्स. तो छः महीने के बाद भी और नौ महीने के बाद भी आपको आपने बताना होता है कि आपके पास अगर एक्सपेंडिचर हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं तो एक्सेसेज में डालना है, अगर आपके पास अमाउंट बढ़ रही है तो आपने उसको सरेंडर करना होता है. एंड सप्लीमेंट्री ग्रांट फॉर इसेंशियल एक्सपेंडिचर, अगर आपके पास फंड्स की कमी हो गई तो सप्लीमेंट्री ग्रांट भी या कोई ऐसी डिमांड इंक्रीज़ हो गई या कोई ऐसे हालात हो गए हैं कि आपको और एक्सपेंडिचर की ज़रूरत पड़ गई है तो आप फर्दर एक सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से डिमांड कर सकते हैं.
If funds are excess expenditure are not available within existing grants, अगर आपके पास जो grants हैं उनमें funds नहीं हैं, the supplementary grant can be approved by the minister, by the finance department on a temporary basis. तो उसको supplementary grant दे दी जाती है. All supplementary grants are subject to approval by the parliament at the time of the next year's budget. और ये जो condition होती है supplementary grant की, ये next year जो आपके parliament budget approve कर रही होती है उस पर conditional होती है. अगर वो approve करती है तो आपकी वो मिलेगी, अदरवाइज वो आपको जो अगला आपको बजट मिलेगा उसी में से एक्सपेंडिचर कर दिए जाते हैं. द फंड्स आर रिलीज्ड इन इंस्टॉलमेंट्स आफ्टर द स्पेसिफिक क्लियरेंस ऑफ द फाइनेंस डिवीजन ऑन ए केस टू केस बेसिस एंड सब्जेक्ट टू रिसोर्स अवेलेबिलिटी. अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास फंड्स की पोजीशन क्लियर हो और तब जो है आपको नेक्स्ट डिमांड जो है आपके जो अप्रूव हुई होती है वो इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं. अगर फंड्स की शॉर्टेज होगी तो जो बहुत ज़रूरी है उसमें फ़ंड इशू कर दिए जाते हैं और जो गैर ज़रूरी होते हैं उनको पेंडिंग में डाल दिया जाता है. इसके बाद आता है फाइनल स्टेज जो होती है ऑडिट की, जो बजट प्रोसेस में है. ऑडिट में क्या कुछ किया जाता है इसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं. द लास्ट स्टेज इन द बजट साइकिल इंक्लूड्स ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ दैट एम टू मेजर वेदर देयर इज़ एन इफेक्टिव यूज़ ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज. उसमें ये तस्दीक की जाती है कि जो फंड्स गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को दिए गए हैं जो कि टैक्स कलेक्टेड हैं फ्राम पब्लिक फंड से, तो उनकी देखभाल करने के लिए ये देखना कि आया जिस मकसद के लिए इनको एलोकेट किए गए थे उसी के लिए ठीक ठीक इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं, कहीं फ्रॉड या करप्शन तो नहीं हो रही. आइडियली द एग्जीक्यूटिव ब्रांच शुड रिपोर्ट एक्सटेंसिवली ऑन इट्स फिजिकल एक्टिविटीज़ टू द लेजिस्लेटर एंड द पब्लिक. और इसके फर्दर जो है ऑडिट रिपोर्ट भी पीएससी मीटिंग में पेश की जाती है जो उसकी कंजम्पशन पे फर्दर बताती है कि हमने फ़ंड जो इशू किए थे वो ट्रांसपेरेंटली यूज़ किए गए हैं या कि उनमें कोई प्रॉब्लम आया था. जो अगर प्रॉब्लम आया था तो उसको रिमूव किया जाता है और उसको रिकवर किया जाता है उस अमाउंट को. दीज फिजिकल एक्टिविटीज़ आल्सो शुड बी सब्जेक्ट टू रेगुलर रिव्यू बाई एन इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल बॉडी सच एज ऑडिट इंस्टीट्यूशन और द ऑडिटर जनरल. तो ऑडिटर जनरल का यहाँ से काम स्टार्ट हो जाता है जो ऑडिट करता है. द ऑडिट ऑफिस शुड हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एक्यूरेट रिपोर्ट्स इन द टाइमली मैनर. तो उनको टाइमली जो है पीएससी को अपनी रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स पेश करना होती हैं. एवेल्यूशन एंड ऑडिटिंग आर नॉट ओनली नेसेसरी फॉर द लेजिस्लेचर टू एक्सरसाइज इट्स ओवरसाइट फंक्शन. सिर्फ ये कानूनी अमलदारी के लिए नहीं है बल्कि दे आर इन एन इंटीजरल पार्ट ऑफ द ओवरऑल पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट सिस्टम. तो जो पब्लिक मनी है उसको जो प्रॉपरली मैनेज करने के लिए भी ये एक अहम जुज़्व है ऑडिट करना. रिपोर्ट्स ऑन परफॉर्मेंस आर नेसेसरी टू सिक्योर द बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज. इसका मकसद ये होता है कि ताकि आप उन पे क्लियर व्यू रखें और पब्लिक मनी को बेहतर से बेहतर मकसद के लिए यूज़ करें. ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑफ मॉडर्न बजटिंग रिफॉर्म्स इज़ to provide public entities and agencies with information on performance in order to improve their operation. तो फिर उन पे जो ऑडिट करने से ये भी पता चलता है कि किसी भी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो रही है, कम हो रही है. अगर फंड्स उसके एलोकेशन में ज़्यादा हो रही है तो उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होनी चाहिए. तो ऑडिट से ही ये पॉसिबल हो सकता है. इन द फेडरल पाकिस्तान द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कंडक्ट्स इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल गवर्नेंस enhance the facilitates and legislature oversight of the people's representative on government operation at all levels, national, provincial and district. और हर लेवल पे जो है ये जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है यही ऑडिट इंडिपेंडेंट कंडक्ट करता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का और ये रिपोर्ट करता है कि कौन सी जो है डिपार्टमेंट किस तरीके से चल रही है, उसके एक्सपेंडिचर कैसे कंडक्ट हो रहे हैं और पब्लिक मनी पे जो है ओवर गार्ड करना इनका पर्पज़ होता है. इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि ऑडिटर जनरल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फुली मैंडेटेड टू कंडक्ट ऑडिट्स ऑन ब्रॉड रेंजेस ऑफ एक्टिविटीज सच एज सर्टिफिकेशन ऑडिट. ये कौन कौन से ऑडिट करते हैं ये हमने सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन में भी डिटेल में पढ़ा है. अभी इसीलिए इसको थोड़ा सा मैं स्किप भी करता जा रहा हूँ, तेज़ी से पढ़ता जा रहा हूँ ताकि आपको जो है पिछली चीज़ें भी रिमाइंड तो पहले होंगी और आपके कंसेप्ट भी हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में आप बताना ज़रूरी नहीं. तो सर्टिफिकेशन ऑडिट होता है, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस ऑडिट होता है ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स
performed audits on the outcomes of various projects and programs with emphasis on social sector. Furthermore, it also conducts special studies on the matters of public information on the cases of urgency. So, mukhtalif special audit bhi conduct kiye jate hain jisse koi specific information obtain karna ho jis pe government further decisions legi. The audit reports are placed before the assembly and the public accounts committee carries out deliberation on the reports. The committee, in accordance with the nature of each case, decides on to hold the official accountable for audit findings and may even order action including administrative or criminal action against officials. So, audit ke dauran agar koi cheez malpractices wagera found hoti hain, deviations hoti hain, to phir jo responsible hai uske khilaf action bhi kiya jata hai. Depend karta hai ki wo kis tarah ka case tha, us hisab se us noiyat ka uske khilaf action liya jata hai. The document system of financial control and budgeting, ab isko bhi hum further thoda sa detail mein padhenge kyunki ye bhi budget ke sath kafi relate karta hai. Aur jo system of financial control and budgeting, ye jo government ki idare hote hain, ministries hoti hain, usme kaise budget banta hai, kaun isko jo hai monitor karta hai aur kaise inki aapas mein coordination chal rahi hoti hai officers ke darmiyan, to iska bhi samajhna zaruri hai kyunki जो मिनिस्ट्रीज होती हैं यही इनपुट देती हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जिस पर बजट बनता है. तो इससे अगला जो है जो टॉपिक होगा हमारा इसी पे ही होगा, सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड बजटिंग 2006 पे ही. लेकिन यहाँ पे ये है कि उसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं कि कैसे प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो है वो उसने लुक आफ्टर करना होता है पब्लिक रिसोर्सेज को. हैज़ अंडरलाइंड, यहाँ से हैज अंडरलाइंड द स्कोप फॉर इंटरनल ऑडिटिंग ऑफ द स्पेंडिंग बाय ईच मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट. इन ईच मिनिस्ट्री डिवीजन देयर इज ए चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर CFAO. तो इसके बारे में भी हम इसी में डिटेल में पढ़ेंगे. असाइंड विद द मैटर्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, उसने रिस्क असेस करना होता है, उसके अलावा जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए इंटरनल कंट्रोल ऑडिट रिकन्सिलेशन अकाउंट्स मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी वगैरह जो DAC बनती है पब्लिक अकाउंट कमेटी को जो जवाब देती है. एंड फिनेंशियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट, जो फिनेंशियल पर्पज़ के सारे भी जो काम होते हैं उनको लुक आफ्टर कर रहा होता है. तो ये सारे के सारे मिनिस्ट्री के अंदर हो रहे होते हैं और ऑडिट ने इन्हीं के जो है फंक्शंस और इनके एक्शंस को ही मॉनिटर करना होता है, चेक करना होता है. तो ये एक समरी है जिसमें बजट कॉल सर्कुलर होती है इशू अगस्त और अक्टूबर के महीने में, बजट इस्टीमेशन जो का प्रोसेस होता है ये नवंबर जनवरी तक कंप्लीट होता है. इसके अलावा डिटेल्ड स्क्रूटनी बाय कंट्रोलिंग ऑफिसर, जो के प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ही होता है, वो नवंबर से दिसंबर तक अपना काम कंप्लीट करता है. इसके बाद डिटेल्ड स्क्रूटनी बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट जनवरी से फरवरी तक कम्प्लीट करती है. इसके बाद जो फार्मूलेशन ऑफ बजट प्रपोजल बाई फाइनेंस डिपार्टमेंट से होता है वे अप्रैल के महीने में होता है. और इसके बाद फेडरल कैबिनेट जो होती है उसको मई जून में ये पेश किया जाता है जो प्रपोज बजट होता है. उसके बाद बजट नेशनल असेंबली में जून में पुट किया जाता है. इसके बाद अथेंटिकेशन ऑफ द स्केड्यूल ऑफ अप्रूव एक्सपेंडिचर बाई पार्लियामेंट जून में कम्प्लीट होता है. और फंड रिलीज जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होते हैं ये जुलाई के महीने में होते हैं. ये पूरा बजट का एक साइकिल होता है जो कम्प्लीट होता है. ये भी एक साइकिल है जिसमें आप थोड़ा सा समझ सकते हैं. यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा था कि कॉल सर्कल कॉल लेटर इशू होता है कि आप जो है डिपार्टमेंट डिपार्टमेंटल वर्क जो है ऑन एस्टिमेशन वगैरह पे होता है. इसके बाद PND में प्रायोरिटी कमेटी फाइनेंस APCC मीटिंग होती है. इसके बाद नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की कमेटी होती है. उसके बाद इनकी वर्किंग कैबिनेट में पेश की जाती है. उसके बाद नेशनल असम्बली जो है वो अप्रूव करती है और इसके बाद एग्जीक्यूशन की स्टेज हो जाती है ऑडिट सॉरी बजट की. ये सारा पूरा प्रोसेस एक डायग्राम के फॉर्म में भी है आपके पास. अपने नोट्स बनाते रहें जो पढ़ते हैं उनके मेन जो पूरा एक लेक्चर होता है उसमें आपकी 5-6 पॉइंट्स की बनते हैं. आप एक उसको डायग्राम की शक्ल में ये जैसे भी आप उसको लिख सकते हैं. जैसे ये समराइज हुई है लास्ट पे, आप इनके नोट्स बनाया करें और जो आपको एग्ज़ाम से पहले काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे.